जैसे सिविल में अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपको ये लगता है कि यार ये बंदा जो है मेरे से अच्छा कर रहा है इसने कंपनी का ज़्यादा फायदा कर दिया है इसको तो जो सी है या बॉस है उसको लाइक करता नहीं करता हमारे यहाँ पर यह होता है कि इस बंदे ने मेरी जान बचाई या मैंने इसकी जान बचाई हमारा जो नापतौल है ना वो ज़िंदगी मौत से हमारे नापतौल में पैसे की कोई जगह नहीं तो इसलिए जो इमोशनल कंटेंट है हमारे बिहेवियर में बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ इंटेलिजेंस एजेंसीज मिलिट्री आर्मी हमने बैठ के प्लान किया अभी इनको पकड़ना है और इनको खत्म करना तो हमने अड़तालीस घंटे में खबर मिली और फिर पिंगलाना गाँव में वो मौजूद थे उसको हिट किया इस हादसे के बाद में देश के मराल को वापस लाना जरूरी था चौदह फरवरी की शाम को यह हादसा होता है अठारह फरवरी की शाम को उस पूरे मॉड्यूल को खत्म कर दिया जिसका गाजी कमांडर था सौ घंटे के भीतर जिन्होंने पुलवामा का हादसे को अंजाम दिया था उनको खत्म कर दिया गया दोस्तों टी आर एस हिंदी पर हमने काफी सारे मिलिट्री पॉडकास्ट बनाए है काफी सारे जियो पोलिटिकल पॉडकास्ट बनाए है पर लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस धिल्लो के साथ ये वाला एपिसोड आपको इन दोनों टॉपिक्स का एक बहुत अलग नज़रिया देगा क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड आर्मी मैन है आज इस देश में ये इंडियन मिलिट्री के एक वेटरन है इन्होंने डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी में भी काम किया और इनके साथ हमने दो जबरदस्त पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए एक हिंदी वाला एक इंग्लिश वाला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर जियो में आपका इंटरेस्ट है तो एक नोट के साथ बैठिए और सीखिए इस महान शख्सियत से के जे एस धिलो स टाइनी धिलो सी आर एस हिंदी लेफ्टिनेंट जनरल के जे एस टी आर एस हिंदी में आपका स्वागत है बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे बात करने के लिए धन्यवाद कैसे हो सर एकदम बढ़िया बिल्कुल <laughs> फिट आजकल आपके दिमाग में कैसे थॉट्स चल रहे हैं आप बताइए थॉट्स तो हमेशा देश प्रेम के रहते हैं लेकिन रिटायरमेंट के बाद में ज्यादा समय मिल रहा है परिवार के साथ बिताने के लिए दोस्तों के साथ बिताने के लिए और आज आपके साथ अरे सर आई <laughs> फील कि भारतीय पॉडकास्ट की दुनिया में आपकी अभी जस्ट एंट्री हुई है 2022 में और आपके अंदर बहुत सारे पॉडकास्ट है बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव है और भारतीय यूथ को इंडियन मिलिट्री वेटरन से बहुत कुछ सीखना है आपकी कोई पहली मैसेज है भारतीय यूथ के लिए देखिए यूथ जो है ना हमारे देश का भविष्य है और यूथ को गाइडेंस जो है वो बहुत जरूरी है यूथ के लिए अपने रोल मॉडल सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है hmm. कहीं गलत रोल मॉडल सेलेक्ट करके किसी के इन्फ्लुएंस में आके जहाँ जो पीयर प्रेशर बोलते हैं तो यूथ अपना ही नहीं अपने परिवार का ही नहीं अपने देश का भी नाम खराब कर सकता है hmm. uh, सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमें कॉमेंट सेक्शन में मिल, मिलती है क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर ये सच है कि शायद अब गोइंग फॉरवर्ड अगर एक वर्ल्ड वाइड स्केल कॉन्फ्लिक्ट होए तो इट विल कॉन्फ्लिकली बी साइबर वॉर बेस साइबर वॉर मेनली होगी या किसी ने यह भी कहा है कि स्पेस वॉर का एक कॉन्सेप्ट आने वाला है यानी कि स्पेस में बैटल्स तो इंडियन मिलिट्री ऐसी चीजों के बारे में आई एम श्योर सोचती है बट आप कुछ बता सकते हो इन चीजों के बारे में देखिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पहला विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध उसको ट्रेंच वॉरफेयर के नाम से जाना जाता था यानि कि आपने जमीन को पकड़ना है या ज़मीन को जीतना है और अगर आपने ज़मीन को पकड़ना है तो खुदाई करके ढाई तीन फुट नीचे ज़मीन के ताकि गोली आपको लगे नहीं उसके बीच में बैठ के आप उस ज़मीन की रक्षा करते थे दुश्मन उसके ऊपर हमला करके पहले सिर्फ अपने दो कदमों पे फिर घुड़सवारों पर आए कैवलरी आई फिर टैंक्स आए फिर उसको सपोर्ट करने के लिए आर्टिलरी आई तो खाना आया तो धीरे धीरे एवोल्यूशन शुरू हुआ उसको कहते थे ट्रेंच वॉरफेयर या कॉन्टेक्ट वॉरफेयर जबकि आप फिजिकल कॉन्टैक्ट करते हो दुश्मन के साथ अभी जो चल रहा है जो भी आपने लफ्ज यूज़ किए स्पेस साइबर ये सारा कुछ कमांड एंड कंट्रोल ये सब कुछ आता है नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर यानी कि बिना दुश्मन के करीब गए आप उसकी काबिलियत को ख़त्म कर दो ना स्पेस में सेटेलाइट्स हैं सेटेलाइट जो हैं वो कंट्रोल करती हैं कम्युनिकेशन एंड एंड साइबर अदर थिंग्स अगर आप स्पेस के अंदर सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दो ऑल दो इसके ऊपर एक ट्रीटी है कि आप नहीं कर सकते लेकिन कुछ देशों ने इसके ऊपर ट्रायल्स कर लिए हैं उनके पास एंटी सेटेलाइट वेपन हैं क्या होते हैं एंटी सेटेट वेपन एंटी वेपन रहा है जो आपकी सेटेलाइट चल रही है जैसे हमारी सेटेलाइट्स ऊपर आकाश में हैं जिसके कारण हम ये टीवी देखते हैं या हम अपने मोबाइल्स को इस्तेमाल करते हैं नीचे की फ्रीक्वेंसी जहाँ वेबले ऊपर जाती है वो नीचे आती है और उसके ऊपर बहुत से खेती का भी बहुत सा इंडस्ट्री का भी बहुत टूरिज्म या होटल बुकिंग्स एंड और ये सब कुछ जो है सेटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है और अगर रेलवेज़ की बुकिंग एयरलाइन बुकिंग अगर आप उस सेटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर दो जो आपकी बैंकिंग को कंट्रोल कर रहे हैं तो आपको बिना टच किए वो आपकी देश में हड़कम मचा सकते हैं और अगर ये चीज़ लड़ाई के दौरान हो और जो मिलिट्री सेटेल्स हैं जिसके ऊपर मिलिट्री का कमांड एंड कंट्रोल चलता है तो उसको बिना टच किए जो मैं बोलता नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर तो साइबर सेटेलाइट स्पेस वॉरफेयर ये सब नॉन कॉन्टेक्ट वॉरफेयर में आते हैं जी और दूसरा है कि अभी वेपन्स की रेंज इतनी बढ़ गई है रेंज मतलब रेंज दूरी से उसकी मार करने की जो शक्ति है पहले एक किलोमीटर दो किलोमीटर होती होगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अभी वो हजारों किलोमीटर से आप मेजाइल फायर कर सकते हो बलिस्टिक में जरा इंटरकॉन्टिनेंटल बलिस्टिक मेजाइल है मतलब आप अमेरिका से यूरोप में फायर कर सकते हो यूरोप से एशिया में तो ये सब चीजें जो है एक जो लड़ाई का एक चेहरा है रूप है वो बदल गया है सो so, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो नेक्स्ट लड़ाई में हो सकता है कि कॉन्टेक्ट हो ही नहीं लेकिन हमारे जो बॉर्डर्स हैं नर्दर्न बॉर्डर या हमारे ग्रेट हिमालयाज हैं या हमारा वेस्टर्न बॉर्डर्स है वहां पे पहाड़ों में हाई एल्टीट्यूड में जब तक आप फिजिकली उस चोटी को कैप्चर नहीं करोगे तब तक वह चोटी आपके पास नहीं आएगी कितनी भी सैटेलाइट उड़ा लो कितना भी साइबर कर दो कितना भी कुछ कर दो। इसलिए हमारे संदर्भ में अभी भी जो फिजिकल कैप्चरिंग ऑफ फीचर्स, या एक जो इलाके को अपने कब्जे में करना अभी भी उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है hmm. um. सारे सवाल है <laughs> <laughs> बहुत कुछ पूछना आपसे <laughs> पूछिए <है प्रेस>। okay. <laughs> कि आपके पास इतनी ज्यादा तो okay. <laughs> आपसे पूरे मिलिट्री टेन्योर में सबसे फिजिकली चैलेंजिंग मोमेंट क्या थी और सबसे इमोशनली चैलेंजिंग मोमेंट क्या थी और क्या वो एक ही मोमेंट थी देखिए मिलिट्री uh, में आम लोग ये सोचते हैं कि फ़िज़िकल फिटनेस जो है खास करके कमांडर्स में या ऑफिसर्स में फ़िज़िकल फिटनेस जो है वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है अभी भी जो लड़के जो ट्रेनिंग कर रहे हैं जहाँ कोचिंग कर रहे हैं जहाँ तैयारी कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए उनका भागदौड़ पर बहुत जोर है वो एक हिस्सा है लेकिन ऑफिसर के लिए जो मेंटल टफनेस है वो बहुत अहम रखती है क्योंकि तो ऑफिसर को खराब से खराब सिचुएशन में जब अपनी कैजुअलिटी हो रही है जब आपका नुकसान हो रहा है उस हालात के अंदर अपने दिल दिमाग के ऊपर काबू रख के सही निर्णय लेके आगे की कार्रवाई करनी और जो आपने बोला सबसे टफ मोमेंट आपके लिए मेरे लिए एक कमांडो कोर्स है हमारा इंडियन आर्मी का वो 33 दिन का कोर्स है और उसमें आपको ये पता ही नहीं लगता कि आप कहां पर हो इस दुनिया में इससे ज्यादा टफ फिजिकली टफ 33 दिन मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे ये आपने 80s में किया ये मैंने 84 में किया था वाओ

मालूम भी नहीं है अलग से इलाका है नीचे बेलगांव के पास में एरिया है भाषा भी समझ नहीं आती अनलेस अनलैस आती है लोकल हो <laughs> तो ये एक बहुत फिजिकली टफ़ कोर्स है लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो कोर्स करने के बाद मैं फ़िज़िकली टफ़ नहीं हुआ मैं मेंटली टफ़ हुआ मैंने ज़िंदगी में कभी चालीस किलोमीटर उतनी स्पीड से दौड़ा नहीं था मैं पिट्ठू लेकर के तीस किलोमीटर का वजन राइफल तो मेरे को ये लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन जब मैंने कर लिया तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि या ये तो मैं कर सकता हूँ इसका मतलब मेंटली टफ हुआ फिर जब मैं कंपनी के साथ था या प्लेटून के साथ था फिर मैं कभी भी ये हुक्म देने से घबराता नहीं था कि यह पहाड़ चढ़ना है एक्सरसाइज में हो या किसी भी कॉम्बेट सिचुएशन में हो क्योंकि तो मुझे मालूम था मैं कर लूंगा तो उससे क्या हुआ मेरी फिजिकल फिटनेस ने मुझे मेंटल टफ बनाया मेंटली टफ बनाया और इमोशनली इमोशनली टफ बनाया और दूसरा क्या होता है जो इमोशनल आप एस्पेक्ट आपने बोला फौजी देखने के लिए ना आपको लगता है कि बहुत टफ है बहुत स्ट्रॉन्ग है बड़ा बुलंद आवाज में बात करता है लेकिन दिल से फौजी बहुत एक इमोशनल है क्यों इमोशनल है क्योंकि वो उसके परिवार उससे दूर है एक अलग माहौल में रहता है जहाँ पे जो दोस्त हैं जैसे सिविल में अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपको ये लगता है कि यार ये बंदा जो है मेरे से अच्छा कर रहा है इसने कंपनी का ज़्यादा फायदा कर दिया है इसको तो जो सीईओ है या बॉस है वो इसको लाइक करता नहीं करता हमारे यहाँ पे ये यह होता है कि इस बंदे ने मेरी जान बचाई या मैंने इसकी जान बचाई हमारा जो नापतोल है ना वो जिंदगी मौत से है हमारे नापतोल में पैसे की कोई जगह नहीं है तो इसलिए जो इमोशनल कंटेंट है हमारे बिहेवियर में बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा और क्योंकि कई बार तो ये हुआ है मेरे साथ भी हुआ है आपके सामने गोली लगती है आपके सामने लड़का जो खून निकल रहा है और उसको आपने देखना है और आगे जो लड़ाई की कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर भी ध्यान देना है ताकि और कैजुअलिटी नहीं हो तो ये इमोशनल आस्पेक्ट फिजिकल आस्पेक्ट लेकिन सबसे जरूरी है जो मेंटल टफनेस खास करके कमांडर के लिए और वो किसी भी रैंक में हो कमांडर कभी भी सिचुएशन से घबरा करके गलत डिसीजन नहीं ले सकता इस पूरे एक्सपीरियंस से आप खौफ के बारे में क्या सीख लेते हो फ़ियर 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 जो है डर किसको नहीं लगता है. लेकिन वो कितने सेकंड तक आप लेते हो उसको जज़ब करने के लिए और फिर एक रैशनल एप्रिसिएशन ऑफ सिचुएशन फिर एक करेक्ट डिसीजन और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन जैसे रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट यस अभी देखिए मणिपुर में थे हम लोग जा रहे थे किसी ऑपरेशन के लिए पचास गज ऊपर से ऑटोमेटिक फायर आना शुरू हुआ ग्रेनेड लॉन्चर्स का फायर आना शुरू हुआ तो दस लड़कों की टोली थी मैं कमांडर था अभी उसमें अगर मैं सोचूं कि मैं तो लोहे का बना शक्ति मानूँ मेरे को तो कुछ होगा नहीं गलत बात है सबसे पहले क्या किया कि हम एक सख्लाई भी शामिल है डैश करो डाउन क्रॉल आड़ पकड़ो अपने आप को पहले जो फायर आ रहा है उससे सेफ करो उसके बाद में एज ए कमांडर मेरी जिम्मेवारी है उसको पूरे का जायजा लेना कहाँ से फायर आ रहा है कितनी तादाद में आ रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है कौन सा हथियार उसके लिए सबसे सही है जितना वक्त मैं लूंगा ये सब करने के लिए फियर इसमें शामिल है उतना ज़्यादा मैं अपने को और अपनी टोली को नुकसान होने का चांसेस बढ़ा रहा हूँ इसलिए जितनी जल्दी मैं अपने होशोहवास वापस गैदर करता हूँ अपना कंपोजर रिगेन करता हूँ और अपने सोचने की शक्ति को दोबारा लेके आता हूँ और एक सही डिसीजन लेके उस फायर को नाकाम करके जो भी टेररिस्ट है इंसीडेंट है दुश्मन है उसको खत्म करके अपनी टोली को सेव करता हूँ ये बहुत जरूरी है कमांडर के लिए उस इंसिडेंट में आपने क्या किया उस इंसिडेंट में वो इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि पहाड़ के ऊपर से फायर आ रहा था और हम लोग नीचे थे सुबह चार साढ़े चार बजे की बात है और नॉर्थ ईस्ट में जैसे आपको मालूम है सूरज जल्दी चढ़ जाता है तो थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही थी अगर हम उस पर फायर भी करते मैंने अपनी बुक में इस इंसिडेंट का जिक्र किया है तो अगर मैं फायर भी करता तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मेरा फायर उसके ऊपर से निकल जाता क्योंकि जो ए के राइफल है या एल एम जी है वो सीधा क्रिप क्रिप सीधा फायर करती है जी तो मैंने फिर टू इंच मोटरक होती है वह गोला होता है वो ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है फिर इम्पैक्ट पे फटता है वो लाइक ग्रेनेड लाइक अ ग्रेनेड ओके तो वो एक ट्यूब से फायर होता है वो ऐसे घुमावदार प्रोजेक्ट्री में जाता है जब नीचे जमीन पे आता है उसके नोज में फ्यूज़ होता है वहाँ पे फटता है फिर उसके आसपास जो भी है चाहे आपको टारगेट दिख भी नहीं रहा है टारगेट हो सकता है कि झाड़ी के पीछे हो या पहाड़ी के पीछे हो तो पहाड़ी के ऊपर से उसके ऊपर फायर कर सकते तो टू इंच मोटर जिस लड़के के पास थी नायक ऋषिपाल सतरा राज का वो थोड़ा पीछे था तो मैंने बोला भी जल्दी से टू इंच मोटर आगे भेजो क्योंकि टारगेट तो मेरे को दिख रहा था राइफल से उसको एंगेज नहीं कर सकते वो लड़का फायर के दौरान भागते हुए ऋषिपाल मेरे पास आया डाइव मारी करता ले साहब वोटर तो मैं उसको समझाने के जितना वक्त भी नहीं था तो उस लड़के ने भी देखो उसका भी बिल्कुल जो अफियर की बात कर करो ख़त्म हो चुका था एक तो फायर के बीच में भागता हुआ है ऊपर से आते ही मेरे को बोला साहब ये ले मार क्योंकि तो उसको मालूम है ऑफिसर को हर वेपन की ट्रेनिंग होती है और अगर मैं उसको समझाता कि ये कहाँ है वो वहाँ यहाँ से फायर करो इतनी रेंज पे है एक तो मैं आवाज़ पैदा करता जिससे को पता लगता है है, है पर हो सकता फायर डालते, उस लड़के ने भी मेरे से पूछा नहीं कि टारगेट कहां पर है hmm. उसने सब फायर कर, हमने वो फायर किया बंद कि हो चुका है। जाती है इसलिए आपको थोड़ा अवेयर रहना पड़ता है देखिये जब तक आप अपनी बैरक में वापस नहीं आ जाते

काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग थे इंडियन मिलिट्री के लिए उनमें से आप किसी सिनारे के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे यू सर्विंग इन दैट पीरियड सी मेरे मैंने नॉर्थ ईस्ट में मेरी सर्विस है मेरी सर्विस एल्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा है प्लस कश्मीर में, में मेरे छः सात टैन हैं स्टार्टिंग विद एटी एट और नॉर्थ लेकिन मैं आपको जो बात आप बोल रहे हो मैं इसको एक अलग नज़रिए से देखता हूँ श्योर sure. कोई भी आर्मी या कोई भी सोल्जर जो ऑपरेशन में नहीं रहता उसको जंग लग जाता है फिर जिस दिन लड़ाई होगी वो अपनी पूरी यू नो टॉप नोच कार्रवाई नहीं कर पाएगा इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा फायदा ये है वी आर ऑलवेज इन ऑपरेशन चाहे वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हैं चाहे वो सियाचिन है चाहे वो कश्मीर है चाहे वो नीचे श्रीलंका में ऑपरेशन पवन था या नॉर्थ ईस्ट में था पहले हम लोग हर वक्त ऑपरेशन में हैं hmm. कश्मीर के बारे में मुझे आपसे बहुत कुछ पूछना है आ, उससे पहले मैं आपको कॉम्बैट एक्सपीरियंसिस के बारे में पूछना चाहूँगा आप कोई कॉम्बैट एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था यहाँ जहाँ आपका कैरेक्टर थोड़ा सा बदला या जहाँ आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिली देखिए मेरा सबसे पहले जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस था पहला मेरा टेन हाई एल्टीट्यूड में था सोलह सत्रह हज़ार फुट के ऊपर कहाँ तो सिक्किम में ओके okay. जब मैं कमीशन होके गया था तो उसमें बहुत सीखने को मिला कि जवानों के साथ रह के जवानों के बारे में सीखने को बहुत मिला

वो दो साल जब उनके साथ एक ही बैरक में रहे एक ही कुका उसमें खाना खाया पिकट के ऊपर पोस्ट के ऊपर बीस जवान हैं एक अफसर है तो उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला उनके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला उनके रहन सहन के तरीके के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला ये एक कॉम्बैट में जरूरी होती है ये बहुत ज़रूरी है अगर आपको आपकी टोली की काबिलियत नहीं मालूम खसूसियत नहीं मालूम तो आपको ऐसा हुक्म दे दोगे जो आपकी टोली पूरा ना कर पाए तो मुझे अपने जवानों के बारे में बहुत सीखने को मिला और इन्फेंट्री के लिए तो द मैन इज अ वेपन सिस्टम लाइक आर्टलरी में तोप खाने में तोप वेपन सिस्टम है आर्म कोर में टैंक वेपन सिस्टम है इन्फेंट्री में जो मैन है जो जवान है वो वेपन सिस्टम है उसी ने ही राइफल चलानी है उसी ने ही एल चलानी है उसी ने ही मोटर चलानी है उसी ने ही लेजर रेंज फेंट्री चलाना है उसी ने ही बैटल फील्ड रडार चलाना है सब कुछ उसी ने करना है तो उसको जानना बहुत जरूरी है उसकी काबिलियत जानना बहुत जरूरी है लेकिन जो पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस मेरे को आया वो जब 88 में कश्मीर में गए फिर 89 में टेरिज्म शुरू हुआ 90 में उधर थे और 19 जनवरी 90 जब कश्मीरी पंडित्स का एक हुआ वहाँ से तो उस टाइम पे काफ़ी इनकाउंटर्स हुए तो उस टाइम पे लाइव इनकाउंटर्स का एक्सपीरियंस मिला उसके थोड़े दिन बाद वापस मैं मेजर के तौर पर नॉर्थ कश्मीर में गया लोलाब में कुवाड़ा में वहाँ पर भी बहुत एक्सपीरियंस मिला नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में था अगेन एज अ मेजर वहाँ पे कॉम्बैट का बहुत और उसके बाद तो फिर काफ़ी इफ इफ यू आर कम्फर्टेबल क्योंकि शायद लोग आपके बारे में एज अ टाइनी सर ये शायद नहीं जानते कि आपके कितने सारे कॉम्बैट एक्सपीरियंस इफ यू आर कम्फर्टेबल शेयरिंग लाइक अ रॉ नंबर कि हाउ मेनी कॉम्बैट ऑपरेशन हैव यू बिन रफली देखिए बीस से ज़्यादा हैं okay. जब फिजिकल इनकाउंटर कॉन्टेक्ट हुआ और हर एक्सपीरियंस के से साथ सीख मिलती है सीख मिलती है असल में जब कोई भी सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है ना वो सबक नहीं सिखाता है कोई ऑपरेशन जब आप सक्सेसफुल ऑपरेशन करके वापस आते हो तो मुराल जो है ना वो एक अलग लेवल का होता है सेलिब्रेशन एक अलग लेवल की होती है आप उसके बारे में फिर जो छोटी मोटी कमी रह भी जाती है शायद उसके बारे में आप डिस्कशन नहीं करते तो लेसन लर्न जो है वो मिस आउट हो जाता है लेकिन कोई ऑपरेशन अगर सक्सेस नहीं होता मान लो आपने बहुत प्लानिंग करके ऑपरेशन किया और टेररिस्ट निकल गए फिर जब वापिस आते हो आप तो फिर आप सोचते हो क्यों निकल गए कहाँ कमी रह गई फिर आप उसके ऊपर विचार विमर्श करते हो जैसे आप कुछ कमियाँ के बारे में बता सकते हो देखिए ऐसे होता है कि मैं जो ब्रिगेड कमांडर था हंडवारा में नॉर्थ कश्मीर में हर आदमी अपना वेपन लेके चलता है और वेपन की सफाई होती है हर हफ्ते एमिनेशन की सफाई होती है जैसे आपने ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स की बात की उसकी प्रॉपर एक वेपन क्लीनिंग परेड बोलते हैं परेड है वो उसमें पूरा हथियार साफ होता है वेपन साफ होता है मैगजीन साफ होता है उसके पुर्जे वुरजे निकाल के सब धो के अच्छे से सवाद करके तेल लगा के क्लीन किया जाता है एक ऑपरेशन हमने ऐसे ही प्लान किया बहुत अच्छा ऑपरेशन था एग्जैक्ट दोपहर के ग्यारह बजे का ऑपरेशन था कि इस पर डंडी से आएंगे दो टेररिस्ट उसके ऊपर प्रॉपर एम्बुश लगा हुआ था प्रॉपर वो जो पहले वाला लड़का था जो स्काउट उसको बोलते हैं उससे निकल के आ गए वो जब सेंटर ऑफ द एम्बुश में आ गए जिसने एल चलानी थी जब उसने एल चलाई तो मैकेनिकल चीज़ है तो एल में थोड़ी रोक पड़ गई एल एम जी होता है। लाइट मशीन गन ओके okay. जो ऑटोमेटिक फायर करती है उसमें तीस राउंड होते हैं एक मैगजीन में एक उसके जो तो एक टाइम पे वो तीस राउंड ऑटोमेटिक फायर कर सकता है तो उसमें थोड़ी रोक पड़ी और वो थोड़ी लेकिन आवाज़ आ गई उसकी जब उसने फायर करने की कोशिश की तो कटकट -कट की आवाज़ आई लेकिन फायर नहीं हुआ तो वो टेररिस्ट डाउन हिल भाग गए थोड़ी उन्होंने फायरिंग की थोड़ी हमने की लेकिन वो भी इंजर्ड थे एक हमारे लड़के को भी छोटी इंजरी हुई तो उसके बाद में मैंने सोचा अभी ये जो है हमारे लड़के को इंजर करके गए इनको छोड़ना नहीं है फिर एक अभी कर्नल साहब हैं नील गगन सिंह वो उस टाइम पर मेजर थे मैंने उसके ऊपर पूरा जोर लगा के खबर हासिल की फिर उन्होंने वो ऑपरेशन किया उनको सेना मेडल गैलेंट्री मिला उसमें और वो दोनों जो थे उनको हमने थोड़े दिनों के बाद में ख़त्म किया तो ये चीज़ें होती हैं जब और इसके बाद में लेसन लर्ट ये था कि हथियार की सफाई जो है जरूरी नहीं कि हमको पंद्रह दिन या बीस दिन का इंतज़ार करना है जिस दिन हम परेड अभी उसके बाद जो मेरा हुक्म था कि जब आप वापस आते हो अपनी बैरक में सबसे पहले अपना हथियार साफ करो सारा उसके मैकेनिकल पार्ट्स चेक करो ताकि दोबारा से ये कार्रवाई नहीं हो तो ये एक छोटी एग्जांपल दी है क्योंकि ये ज्वाइन लेवल की है ऑफिसर लेवल की या कमांडर लेवल की प्लानिंग स्टेज पे बहुत कुछ होता है जिसमें सोचा जाता है कि क्यों ये चीज़ ठीक से नहीं हुई अभी जैसे आर्टिकल थ्री सेवेंटी के बाद में सब कुछ पीसफुल रहना चाहिए उसके अंदर इतनी ज़्यादा प्लानिंग आई थी एक एक चीज को एक एक कॉन्टीजेंसी को टच किया गया था डिस्कस किया गया था पूरी पूरी रात भर बर्थ के बैठ के देखते थे तब जाके सब कुछ शांति से हुआ आपको आर्टिकल 370 के बारे में समझाना पड़ेगा हमारे काफ़ी सारे टीन एज लिसनर्स हैं जो करंट अफेयर्स के बारे में शायद पॉडकास्ट के थ्रू ही सीख रहे हैं सर तो एकदम ए से समझाइए आर्टिकल थ्री क्या है और एक मिलिट्री परस्पेक्टिव से क्या है वो भी समझाइए ओके okay. uh, मैं थोड़ा इसमें वक्त ले सकता हूं ताकि बच्चों को समझ आना चाहिए हाँ जी सर देखिए जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा जब 15 अगस्त उन्नीस को हमको आज़ादी मिली तो हमारे देश में कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स थी जिसको कि राजा महाराजा रूल करते थे और फिर अंग्रेजों के नीचे आते थे वो कुछ एक एरियाज ऐसे थे जो डायरेक्टली अंग्रेज रूल करते थे जी तो जब डिवीज़न हुई या पार्टीशन हुआ तो जो तो इलाके डायरेक्टली अंग्रेजों के नीचे थे ब्रिटिश के नीचे थे वो तो सीधे सीधे हिंदुस्तान के नीचे आ गए जो लाइन के उस तरफ थे वो पाकिस्तान के नीचे लेकिन जो प्रिंसली स्टेट थी जो कि राजा महाराजा जो प्रिंसेज जिसको रूल करते थे उनको चॉइस दी गई थी कि आपने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है तो उन सब ने अपनी चॉइस से साइन किया कि मेरे को इंडिया के साथ आना है तो जम्मू एंड कश्मीर के जो उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने बोला मुझे थोड़ा समय दीजिए सोचने के लिए उसको कहते हैं स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कि थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे रखिए कुछ इसमें चेंज मत कीजिए अमृतसर में वो ट्रीटी साइन हुई थी तो वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हिंदुस्तान ने माना कि ठीक है आप अपना समय लीजिए पर उनका लॉजिक क्या था समय क्योंकि उनका ये था कि मैं अपने सोच विचार कर लूँ अपने जो उनके यू नो एडवाइजर्स हैं या जो भी था तो एज ए इंडिपेंडेंट सॉवरन रूलर ही आस्क फॉर द टाइम एंड इंडियन गवर्नमेंट उस टाइम पर बिल्कुल नई सरकार नई देश बना था उन्होंने वो समय दिया लेकिन पाकिस्तान ने उसका उल्लंघन करते हुए अपने रजाकार कबायली और अपनी आर्मी के ऑफिसर्स को जबरदस्ती कश्मीर के अंदर भेज दिया इंडियन आर्मी कश्मीर में नहीं थी तब 26 अक्टूबर उन्नीस को महाराजा ने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसको बोलते हैं कि मैं भारतवर्ष में शामिल होना चाहता हूँ वो साइन किया उसके साइन होने के बाद इंडियन आर्मी की फर्स्ट सिख रेजिमेंट फ्लो की जाके लैंड की और फिर वो एयरपोर्ट कश्मीर श्रीनगर का जो आज का एयरपोर्ट है उसके आसपास पास बडगाम के जो इलाका है बडगाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ तक आ चुके थे फिर इंडियन आर्मी ने उसको खजेड़ के वापस उड़ी से पार और नीलम अपना किशन गंगा रिवर के पार तक पहुँचाया उनको वापस किया तो वाप जो अभी कश्मीर है उसके लिए हम तभी हमारी आर्मी गई जब महाराजा ने माना कि मैं आपके साथ हूँ ये मैं क्यों इसका बैकग्राउंड दे रहा हूँ ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है ये बाकी सारे जितनी प्रिंसली स्टेट थी उन्होंने भी यही साइन किया था और 26 अक्टूबर 1947 को जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ उसमें आर्टिकल 370 का कहीं जिक्र नहीं था ना ही ये प्री कंडीशन थी कि मैं पहले शर्त रखता हूं कि मैं तब साइन करूंगा अगर कल को आप आर्टिकल 370 बनाओगे ऐसा भी कुछ नहीं था ना ही ये उसमें शामिल था ना ही इसके बारे में कोई सोच विचार था यह उसके करीब-करीब 2 साल बाद 1949 में आर्टिकल 370 जो है इन 21 है प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें आया एज अ टेंपरेरी एंड ट्रांजिशनल फीचर टेंपरेरी या टेंपरेरी होता है जो कुछ समय के लिए ट्रांजिशनल है जो निकल गई तो आगे चलेंगे तो टेंपरेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में शामिल किया गया नाउ आर्टिकल 370 है क्या आर्टिकल 370 बोलता है कि जो भी हिंदुस्तान के संविधान की जो प्रोविजन हैं जहाँ जो उसके भी कानून हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होंगे जम्मू एंड कश्मीर एक चीज थी रणबीर पैनल कोड उसके हिसाब से चलेगा अभी देखिए उन्नीस से लेकर के आज तक जो दो तक सत्तर साल में हिंदुस्तान के संविधान में 106 सौ छ हुई छोटी छोटी जिसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट्स वो चीजें जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए लागू नहीं थी मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कि कोई भी हिंदुस्तान का सिटीजन दस रुपए का या सौ रुपए का एक एप्लीकेशन डाल के किसी भी सरकारी ऑफिस से पूछ सकता है कि मुझे बताइए ये ठेका कितने का उठा है कितना पैसा है क्या इसका कॉन्ट्रैक्टर है कैसे आपने इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं दिया जो भी है वो सरकार को क्वेश्चन कर सकता है वो प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आई वहाँ नहीं गई तो ये सब चीज़ें थी जो आर्टिकल थ्री के कारण जिस चीज का हिंदुस्तान के बाकी सब नागरिक फायदा उठा रहे थे जो भी अच्छी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में आई थी उनका उनके ऊपर वहाँ तक नहीं जा पा रहा था जी। उसके बाद में थर्टी फाइव 35 थर्टी फाइव ये डिसाइड करता है कि कौन सा आदमी या औरत जम्मू एंड और कश्मीर का बशिंदा है या वहाँ का सब्जेक्ट है या सिटीजन है या नागरिक है उसमें देखिए क्या था कि जब पार्टीशन हुआ पाकिस्तान बना लेकिन मेरी फैमिली पाकिस्तान से आई जैसे हम पंजाब में आए तो हम पंजाब के सिटीज़न बन गए इंडिया के सिटीज़न बन गए लेकिन वेस्ट पाकिस्तान उस टाइम पे दो पाकिस्तान थे एक वेस्ट पाकिस्तान एक ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है जो वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी जम्मू एंड कश्मीर में आए उनको पाँच अगस्त दो तक जम्मू एंड कश्मीर की नागरिकता नहीं मिली थी क्योंकि थर्टी फाइव ए जो था वो इसकी इजाज़त नहीं देता था थर्टी फाइव यह क्या कहता है थर्टी फाइव कहता है कि अगर आपका एक बेटा है और एक बेटी है आपका बेटा अगर किसी लड़की से शादी करता है मान लो पंजाब में या गुजरात में या केरला में या यूरोप में या कहीं पर भी तो वो जो लड़की है इससे शादी करने से ये जो लड़का है अपने बाप की जायदाद का हकदार रहेगा बाप की जायदाद के ऊपर इसका हक खत्म नहीं होगा अगर लड़की जम्मू कश्मीर के बाहर शादी करती है तो उसका अपने बाप की जायदाद के ऊपर हक खत्म हो जाएगा और मैं एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं ये आर्टिकल 370 और 35 फाइव ए किसी भी रिलीजन या किसी भी धर्म विशेष के लिए नहीं थे ये तमाम हिंदू सिख मुस्लिम बुद्धिस्ट जैन क्रिश्चियन जो जम्मू कश्मीर में रहते थे उन सब के लिए थे प्योरली ज्योग्राफिकल प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं थे सिमिलरली आर्टिकल थर्टी फाइव ए भी रिलीजन स्पेसिफिक नहीं था वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट था अगर किसी सिख सिटीज़न जम्मू कश्मीर के लड़ आदमी की भी लड़की बाहर शादी करती है तो वो भी अपना हक़ खो देती है बाप की जायदाद में तो ये औरतों के लिए खराब था औरतों के ख़िलाफ़ था डिस्क्रिमिनेटरी जो लफ्ज़ है इंग्लिश का उनके भेदभाव करता था सिमिलरली शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स के साथ भेदभाव हो रहा था तो ये चीज़ें जो हैं आज के ज़माने में बहुत गलत थी इसलिए इनको जाना ही जाना था थर्टी फाइव ए के कारण बाहर का आदमी आके कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता था अभी देखिए इतनी अभी मैकडोनल्ड्स के एफ सी ए वो कई कुछ चल रहा है यहाँ पर पूरे दुनिया की इन्वेस्टमेंट आ रही है पैसा आ रहा है तो दुनिया तरक्की कर रही है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं अगर कोई आके इंडस्ट्री लगाता है यहाँ पर हमारे यहाँ का रॉ मटेरियल इस्तेमाल करता है हमारे यहाँ से लेबर लेता है हमारे यहाँ से बंदे एम्प्लॉय करता है और उससे कितने जॉब्स कितने नौकरियां मिलती हैं और जहां इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती वहां प्रॉब्लम आराइज होती हैं है। और यही हुआ क्योंकि थर्टी फाइव नहीं अलाउ करता था कि बाहर का आदमी आके कोई इंडस्ट्री लगाए जम्मू कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई यानी कि आर्थिक तरक्की नहीं हुई और उसके कारण जॉब नहीं मिले नौकरियां नहीं मिली और उसके बाद में जब कश्मीरी पंडित चले गए तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो पढ़ाई का ढांचा था वो भी पूरा टूट गया पढ़ाई नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो क्या हुआ लड़के जवान हो गए कुछ करने को नहीं है पढ़ाई अच्छी नहीं थी नौकरी मिल नहीं सकती तो वो पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया कि टेररिस्ट उनको बनाया जाए सो ये आर्टिकल थ्री सेवनटी थर्टी फाइव है कश्मीरी पंडित्स का वहाँ से जाना टेररिज्म का आना और ये दौर वो भी था जो उन्नीस सौ नब्बे में हिंदुस्तान ने इकनॉमिक ग्रोथ शुरू की हम पूरे वर्ल्ड के साथ मिलकर आपस में मेल मिलाप करके फॉरेन डेवलपमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हुई और 1990 का दौर था जहां पे टेररिज्म शुरू हुआ आतंकवाद शुरू हुआ कश्मीर में और उन्होंने ये दौर मिस कर दिया जो कश्मीरी बच्चे हैं आज के उनके लिए ये पिछले तीस साल जो हैं बहुत खराब निकले हैं तो इसको ठीक करने के लिए 370 का जाना 35 फाइव का जाना और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वहां पे आना आगे खुशहाली आना बहुत जरूरी था 2022 तो तो की रियलिटी क्या है अब 2022 की रियलिटी ऐसे है कि अभी जो भी कानून हिंदुस्तान के आपके ऊपर लागू है मेरे ऊपर लागू है वो तमाम जम्मू एंड कश्मीर के तमाम सिटीजन्स के ऊपर लागू है जो भी हमारी जिसको हम कहते हैं राइट्स हैं या हमारे जो सरकार से हमारे हक हैं वो उनके भी हैं कोई डिफरेंस तो नहीं है दूसरी बात अभी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अभी नो मेडिकल कॉलेज एयरपोर्ट्स यूनिवर्सिटी कई किस्म की चीजें वहाँ पे आ रही हैं जिससे कि आगे आगे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगे एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव होगा इस पॉडकास्ट पर बहुत सारी ब्रेव uh, बातें हुई है खुल के बातें हुई है एटलीस्ट ओपिनियन ऑफ टी आर एस हिंदी ऑडियंस और टी आर एस इंग्लिश ऑडियंस इज दैट यहाँ शायद वेस्टर्न ब्लॉक का एक रोल है टू मे बी स्टॉप इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ जो भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है टू कीप द कॉन्फ्लिक्ट लाइफ क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट जिंदा रहेगा तो वेपन्स की डिमांड होगी uh, वॉर की डिमांड होगी और अगर वेपन्स और वॉर की डिमांड होती है तो द बिजनेस इन अमेरिका द बिजनेस इन सम पार्ट ऑफ यूरोप बेनिफिट तो यहां भी ह्यूमन ग्रीड इन्वॉल्व है दैट कुड बी अ पॉसिबल रीजन पर यह मेरा खुद का कंजेक्चर है फ्रॉम देखिए ऐसे इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना जी जैसे मोहल्ले के रिलेशनशिप होती है ना आपका आपके पड़ोसी से एक रिलेशनशिप है बहुत अच्छा चल रहा है जब आप ज़्यादा पैसे वाले हो आपके पास ज़्यादा ताकत है आपके पास तीन पहलवान भी हैं तो बहुत ठीक ठाक जब आगे नेक्स्ट जनरेशन में उसका बिजनेस अच्छा चल जाता तो है उसके पास पैसा ज़्यादा आ जाता है फिर वो सोचता है कि अच्छा इसने पिछले तीन जनरेशन से मेरे ऊपर यू नो हुक्म चलाया अभी थोड़ा मैं इसको तो वही चीज़ होती है इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल रिलेशन की एक मैं आपको स्टेटमेंट देता हूँ वो

उनकी बहुत से वीडियोज हैं जहां पर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप तो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो उनका बड़ा क्लियर होता है कि मेरे को अपने देश के हित में जो बात है मेरे को वो करना है हमारे को देश हित के लिए अगर तेल रशिया से मिल रहा है या एनर्जी में वो सस्ती मिल रही है हमारे देश में पेट्रोल या डीजल की कीमतें ऊपर ना जाए तो हमारे विदेश मंत्री जी बेखौफ होकर बोलते हैं हम लेंगे उनसे जहां पे हमारा इंटरेस्ट है और मैं एक चीज बता देता हूँ आपको इंटरनेशनल रिलेशन में और मोहल्ले में आदर प्यार से नहीं होता है आदर सिर्फ उसका होता है जिसके पास ताकत है जिसकी इकोनॉमी स्ट्रोंग है जिसकी मिलिट्री स्ट्रोंग है जिसका देश स्ट्रॉन्ग है hmm. आदर सिर्फ उस देश का या उस घर का है चाहे वो मोहल्ला है चाहे वो दुनिया है तो इसके लिए बच्चों से एक ही गुजारिश है या एक ही रिक्वेस्ट है कि बेटा या बेटी जो भी करो देश हित में करो देश में कंट्रीब्यूट करो मैं ये एग्जांपल देता हूँ हर बार जरूरी नहीं है कि आपको बॉर्डर पे जाकर लड़ना है तभी आप देश सेवा कर सकते हो अगर आप सरसों का तेल भी बनाते हो और वो तेल अगर आप ठीक नहीं बनाते हो या अच्छा नहीं बनाते हो या उसमें मिलावट है ना तो वो बिकेगा ना आपका जो पैसा लगा है जो आपकी मेहनत लगी है जो आपके रिसोर्सेज लगे हैं ना वो पूरे होंगे और जो आपने रिसोर्सेज जो जो सरसों थी जो खराब कर दी वो और अगर वही तेल आप अच्छा बनाओ उसकी डिमांड इंडिया में भी है दुनिया में भी है आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा फॉरेन एक्सचेंज आएगा आपकी खुशहाली तो है ही है देश की खुशहाली भी होगी देश में भी इकोनॉमिक रिजर्व बढ़ेंगे तो इसलिए हर एक नागरिक एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है देश हित के लिए और इसी महत्वपूर्ण ह्यूमन रिसोर्स जो है हमारा एक करोड़ इसी के बिना के ऊपर इसी के बलबूते के ऊपर देश मजबूत होता है जितनी आपकी सीनियोरिटी है मिलिट्री में आई फील उस सीनियोरिटी की वजह से आ, आप दूसरे मिलिट्रीज की साइकोलॉजी शायद थोड़ी ज्यादा समझ सकते हो क्योंकि आपने उन मिलिट्रीज के लीडर्स से शायद इंटरेक्ट किया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड वाइड मिलिट्रीज न्यूक्लियर वॉर की एक पॉसिबिलिटी है दुनिया में मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं वर्ल्ड वाइड स्केल के पर्स्पेक्टिव से पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर असल में हुई इट माइट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड मतलब ये अपोकलिप्टिक से नारे हो सकता है क्योंकि अगर मान लो रशिया में एटम बॉम्ब फटे उसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी हो सके उसका इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया पर भी हो सके तो न्यूक्लियर वॉर की पॉसिबिलिटी है दुनिया में देखिए इतिहास में एक ही बार न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल हुए हैं जैसे आपको मालूम है नागा साकी है रोशमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में और उसने जो तबाही की थी वो अभी भी हमारे जहन में हमारे दिमाग में ताज़ा है और जबकि उस टाइम पे तो ट्वेंटी के टी बहुत कम जील्ड वाले जिनकी ताकत बहुत कम थी जिनकी क्षमता बहुत कम थी वो वाले बॉम्ब ड्रॉप किए गए थे अभी जो वेपन्स हैं चाहे वो न्यूक्लियर हैं बायोलॉजिकल हैं केमिकल हैं जो आज के जो वेपन है उनकी मारने की क्षमता इतनी ज्यादा है जैसे आपने खुद ने बोला तो इट्स अ केस ऑफ म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन कोई भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ताकत जब आती है ना ताकत के साथ जिम्मेवारी आती है जिम्मेवार बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री ऑफ द इंटरनेशनल कमिटी बन के रहना बहुत ज़रूरी है और न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना ये वेपन कहने को है वेपन्फ डिस्ट्रक्शन एक्चुअल में ये हैं वेपन्स ऑफ डिसवेजन वेपन्स ऑफ वॉर प्रवेंशन कि भाई हमारे पास ये है मेरे पास में ये है अगर तूने कुछ किया तो उसका जो लड़ाई का स्केल है जो लेवल है जो उसका जो ग्रेड है उसको एक लेवल तक रखना कि अगर तूने इससे ऊपर गया तो मैं न्यूक्लियर वेपन चलाऊंगा तो ये थ्रेट इन बींग जिसको बोलते हैं मैं वापिस आऊंगा उसी बात पर जिम्मेवार न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है अपने सिटीजन्स के लिए भी क्योंकि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन है इसमें जी और दूसरे देश के सिरिजन्स के लिए भी तो इट्स नॉट एज इजी एज सम टीवी कमेंटेटर शाम को बैठ के बोल देते हैं न्यूक्लियर वॉर इज अ वेरी वेरी सिनेरियो एंड ऑल द रिस्पांसिबल कंट्रीज एंड द लीडर्स अंडरस्टैंड दैट मिलिट्री में न्यूक्लियर वेपन की भी पढ़ाई होती होगी आई एम जी हाँ क्योंकि हम एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं जैसे मैंने बोला हमारे दो जो देश हैं दो, हमारे दो पड़ोसी हैं वो न्यूक्लियर स्टेट हैं तो इस सिनेरियो को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता okay, um, तो बेसिकली uh, हम एटम बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं मॉडर्न एटम बॉम्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या मिलिट्री में प्रोटोकॉल तो पोस्ट एटम बॉम्ब डेटोनेशन से नारे देखिए इसके ना दो हैं एक है आ, जो किसी भी वेपन का मैं स्पेसिफिकली नहीं जा रहा हूँ कि एटम बोम या बायोलॉजिकल इनके कंट्रोल सिस्टम होता है बायोलॉजिकल वेपन के भी कंट्रोल बिल्कुल इन सब वेपन के कंट्रोल सिस्टम yes. मतलब क्या है मतलब मैं समझाता हूँ अभी अगर राइफल मेरे पास में है तो मेरे को हक है कि मैं अपनी राइफल कैसे भी फायर करूँ अगर लड़ाई चल रही है मेरे सामने से दुश्मन आया तो मैं अपनी राइफल फायर कर सकता हूँ अगर मेरे पास में एल है या कोई बड़ा हथियार है तो मैं वो कर सकता हूँ लेकिन ये जो हथियार है ये हो सकता है मेरे कंट्रोल में हो या मैं उनकी जिम्मेवारी हो मेरे नीचे हो जहाँ पे रखे हुए हों वहाँ पे मैं इंचार्ज हूँ लेकिन उनको फायर करने का कंट्रोल मेरे पास नहीं है वो पॉलिटिकल जहाँ किसी और हायर हरारत की मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा तो इसलिए इनके सेफ बहुत ज़्यादा हैं अगर एक वेपन फायर होता है उसके दो हिस्से होते हैं उनको दोनों को जोड़ना जरूरी है और वो दोनों अलग अलग रखे जाते हैं ताकि कि गलती से भी तो ये बहुत एक इसमें बहुत प्रोटोकॉल्स हैं और रही बात डिफेंसिव मेजर्स अगर दुश्मन फायर करता है तो डिफेंसिव मेजर्स जो हैं एक तो अपने आप को कैसे बचाना शुरू में जब उसका मेन इम्पेक्ट है उसके बाद में जो आपके साथी फंस गए हैं आपके ऊपर असर नहीं होता आप कैसे उस इलाके में जा उनको निकालेंगे डिफेंसिव मेजर्स के बारे में पूरी आर्मी को एयरफोर्स को नेवी को ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और इक्विपमेंट दी जाती है इक्विपमेंट इक्विपमेंट साजो सामान दिया जाता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें जहाँ वो गाड़ियाँ लेके उस इलाके में जा सके जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ है और जहाँ पे हमारे कुछ फंसे हुए हैं लोग सिविलियन या फौजी उनको निकाल सके और उनको फर्स्ट एड दे सकें उनको बाद में ठीक कर सकें तो ऐसी बातें करके भी डर लगता है एज सिविलियन टू इमेजिन मुंबई या डेली या कैलकाटा या चेन्नई अटैक बाय न्यूक्लियर वेपन देखिए मैं मैं बच्चों को सिर्फ यही बोलूंगा ये यह जो है ना साइंस फिक्शन मूवीज देखनी बंद करो <laughs> <laughs> सच्चाई कुछ और है जी जो सच्चाई ये है कि ऑल न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स आर वेरी रिस्पॉन्सिबल और सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबल हमारे है हमारे आज के पड़ोसी जो हो सकता है बट नहीं वो भी आज तक उन्होंने भी बहुत रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाया जी सो so, जो मूवीज में होता है वो शायद ग्राउंड पे सच नहीं है एक फाइनल फेज uh, है इस पॉडकास्ट का uh, आपसे पुलवामा अटैक के बारे में बात करनी थी सर uh, आपके नज़रिए से आई डोंट नो वे टू बिगिन दिस टॉपिक तो आई विल लेट यू काइंड ऑफ टेक द रेंस पर आपके नजरिए से uh, क्या हो रहा था क्योंकि एट दिस पॉइंट आप एक बहुत हाई रैंकिंग पोजिशन पे थे फ्रॉम अ स्ट्रेटिजिक परस्पेक्टिव आई वुड लाइक टू नो कि आपकी पहली रिएक्शन क्या थी आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आपने ये खबर सुनी ऑडियंस के बेनिफिट्स के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि फिफ्टीन कोर या चिनार कोर कश्मीर जो है उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल है जिसके पर्ली तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो वादी है जो कश्मीर घाटी है उसमें जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन होते हैं क्योंकि टेररिज्म चल रहा है ये दो टास्क होते हैं आर्मी के एक तो जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसको सुरक्षित रखना और अगर दुश्मन कोई हरकत करता है या इन्फिल्ट्रेशन करता है उसका मुंह तोड़ जवाब देना और दूसरा घाटी के अंदर पब्लिक की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करते हुए कम से कम नुकसान या जीरो नुकसान पहुंचाते हुए टेररिस्ट को खत्म करना तो जब पुलवामा हुआ तो मैं फिफ्टीन कोर कमांडर था ये दोनों टास्क मेरे नीचे थे मैं लाइन ऑफ कंट्रोल का भी इंचार्ज था और मैं घाटी की अंदरूनी सुरक्षा का आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंचार्ज था इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सी आर पी एफ आई टी बी पी इंटेलिजेंस या खुफिया एजेंसीज सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब भी एक टीम की तरह काम करते हैं घाटी के अंदर तो मैं 10 फरवरी 2019 को कोर कमांडर बना यानी कि मेरा इलाका मेरे कमांड में आया और 14 फरवरी को पुलवामा का अटैक हुआ आई ब्लास्ट हुआ और वो बहुत बड़ा हमला था आई एम रियली सॉरी आई this दिस पर आपको शायद आ, उस इंसिडेंट के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स करंट अफेयर्स के बारे में इस पॉडकास्ट के थ्रू ही सीखते हैं तो इट्स इट्स काइंड करंट अफेयर्स अपडेट अगर आप इंफॉर्मेशन थोड़ी रिले कर सकते हो कि उस दिन हुआ क्या context, उस दिन आर्मी की मिल्ट्री की या बी एस एफ की सी आर पी एफ की जो मोमेंट होती है जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से आगे लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ तो वो एक उसको कॉन्वे बोलते हैं दस बीस पचास सौ गाड़ी छुट्टी से लड़के वापस आते हैं छुट्टी जा रहे हैं राशन आ रहा है या और कोई एमनिशन या वेपन जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो वो सारे एक में चलता है वह जैसे आपने देखा होगा सड़कों में जब मिलिट्री कॉन्वे चलती है तो धीरे धीरे चलती ताकि आपस में वो जो टुकड़ी है दस बीस पचास गाड़ियों की वो बिखर नहीं जाए अगर नॉर्मल स्पीड पे आदमी साठ सत्तर पे गाड़ी चलाता है तो कॉन्वे चालीस पैंतालीस पे चलती है और आपस में एक फैसला बरकरार रखते हुए चलते हैं तो उस दिन भी ये सी की कॉनवाई थी जो जम्मू से चल के श्रीनगर आ रही थी तो लेतपुरा एक जगह है श्रीनगर से करीब 20 मिनट पहले वो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो वहाँ पे एक आत्मघाती हमले के तौर के ऊपर एक कार के अंदर एक्सप्लोजिव डाल के और जो टेररिस्ट था जो सुसाइड टेर्रिस्ट था उसने आके कॉन्वे के एक बस के पास में आके अपने आप को ब्लास्ट किया और जैसे सबको मालूम है हमारे सी के चालीस वीर जवान वीरगति को प्राप्त हुए तो जब वो हुआ तो जब मेरे को पता लगा कि ये हुआ है तो शुरू शुरू में क्या पूरी डिटेल्स नहीं पता लग रही थी कि कितना नुकसान हुआ है लेकिन सबसे पहली कार्रवाई जो होती है कि जितने भी कैजुअल्टी हैं जहाँ इंजर्ड हैं उनको फर्स्ट एड या मेडिकल एड जल्दी से जल्दी पहुंचाई जा सके उनको हॉस्पिटल तक का या उनको हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट जल्दी से जल्दी करें तो मेरे नीचे काफ़ी हेलीकॉप्टर हैं थे वहाँ पर मैंने सारे के सारे हेलीकॉप्टर लगाए सारी एम्बुलेंस को डाला जो बेस हॉस्पिटल है नाइन्टी टू बेस्ट हॉस्पिटल उसमें सबसे बढ़िया डॉक्टर्स उस हॉस्पिटल में होते हैं अगर आप जिंदा पहुंच गए तो फिर आपकी जान बच जाती तो ये सारा कुछ जब किया गया कि जितने भी इंजर्ड थे उनको बचाना जरूरी है फिर धीरे धीरे कितने ग्रेविटी या मैग्नीट्यूड या कितना बड़ा हादसा हुआ है वो बात उभर के सामने आई उसके बाद में प्लानिंग की गई कि इसको अभी वापस हिटबैक कैसे करना है फिर हम सारी एजेंसीज मिली जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसी मिलिट्री आर्मी हमने बैठ के प्लान किया अभी इनको पकड़ना है और इनको ख़त्म करना है ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए पूरी उसकी खबर हमारे को 48 घंटे में मिल गई कि वो मॉड्यूल या वो ग्रुप जिसने ये किया था कामरान था एक पाकिस्तान का जैश ए मोहम्मद का टेररिस्ट गाजी उसका कोडवर्ड था वो उसका हेड था तो हमने अड़तालीस घंटे में खबर मिली और फिर पिंगलाना गाँव में वो मौजूद थे उसको हिट किया और इतनी प्रसीजन से हिट किया कि जहाँ पे वो थे सिर्फ वहीं पे ही हमारी टीम पहुंची और मेजर विभूति डोंड्याल और कुछ जवान पहले पाँच या पंद्रह मिनट के एक्शन में ही उनको वीरगति को प्राप्त हुए उसके बावजूद भी जो यूनिट थी जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ 55 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट थी उस नुकसान के बावजूद जो शुरू में हो गया उन्होंने अपना मराल नहीं डाउन होने दिया क्योंकि देश का मराल बहुत जरूरी था इस हादसे के बाद में देश के मराल को वापस लाना जरूरी था तो उन्होंने लगातार कार्रवाई की उस यूनिट ने बाजान जम्मू कश्मीर पुलिस ने और सी ने और अट्ठारह फरवरी की शाम को चौदह फरवरी की शाम को यह हादसा होता है अठारह फरवरी की शाम को उस पूरे मॉड्यूल को ख़त्म कर दिया गया जिसका गाजी कमांडर था सौ घंटे के भीतर जिन्होंने पुलवामा का हादसे को अंजाम दिया था उनको ख़त्म कर दिया गया आपको शायद याद होगा आपके व्यूअर्स को याद होगा पाकिस्तान के जो हैंडल्स थे या पाकिस्तान के जो ट्रोल्स थे पुलवामा के बाद में एक बड़ी फेमस हिंदी मूवी थी उसका एक डायलॉग था हाउ इज़ द जोश तो ये पाकिस्तान के हैंडल्स ने बोलना शुरू कर दिया था हाउ इज़ द जैश यानी कि जैश मोहम्मद उस चीज़ को खत्म करना था वो हमारी टीम ने सौ घंटे के भीतर गाजी और उस पूरी टीम को खत्म कर दिया uh, क्योंकि पूरे भारत के इतिहास में सर uh, ये सर्जिकल स्ट्राइक्स का इंसिडेंट एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक uh, इंसिडेंट माना जाता है यू आर वन ऑफ द पीपल इन चार्ज आई एम श्योर यू इंचजी इन मेनी वेज जो आप शायद रिवील नहीं कर सकते पॉडकास्ट में पर उस पूरे मेमोरी को आप किस नजरिए से देखते हो? लुक बैक योर मिलिट्री करियर आई एम श्योर कि एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था आपके लिए देखिए जो उरी के बाद में जो ग्राउंड फोर्सेस ने अंदर जाके जो सर्जिकल स्ट्राइक की ना वेरी कोऑर्डिनेटेड मैन बहुत एक नो उसको अंजाम दिया बहुत अच्छे तरीके से वो ग्राउंड लेवल का एक्शन था लेकिन जो पुलवामा के बाद में एयरफोर्स ने बाराकोट में जो हिट किया एयरफोर्स को यूज़ करना वो भी इंटरनेशनल बाउंड्री के दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के बालाकोट जो है आपके ऑडियंस के लिए बताता हूँ बालाकोट पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर में नहीं है बालाकोट प्रॉपर पाकिस्तान में है और जब हमारी एयरफोर्स ने बालाकोट पर स्ट्राइक किया उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया पूरे पाकिस्तान ऑकुपाइड कश्मीर के ऊपर फ्लाई किया उनकी जो पाकिस्तान की एयर डिफेंस थी जो उसको भेदा जो पाकिस्तान की एयर फोर्स थी जिसका काम था कि बाहर से आने वाली एयर फोर्स के खिलाफ कार्रवाई करे उसको भेदा इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस किया जी फिर पाकिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट किया और फिर पूरी हिफाजत पूरी सेफ्टी से वापस आए ये एक बहुत बड़ा काम है किसी भी मिलिट्री के लिए और इसकी जो प्लानिंग जो इसकी स्ट्रेटेजाइजिंग जो हुई बहुत उम्दा तरीके की थी किसी को कानों कान जैसे हिंदी में कानों कान खबर नहीं लगी दुश्मन को कि यह होगा और इसको अंजाम देकर के वापस भी आ गए तो ये एक बहुत समझा हुआ बहुत अच्छे से प्लान किया हुआ अच्छे से कोऑर्डिनेट किया हुआ अच्छे से एग्जीक्यूट या अंजाम दिया हुआ ऑपरेशन था और एयर फोर्स को यूज करना मतलब आपने लेवल को बहुत ऊपर कर दिया और ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज था कि अगर आप ये पुलवामा के जैसे इंसिडेंट की हिम्मत करोगे तो हम यहां तक भी जाएंगे और इसके ऊपर भी जा सकते हैं तो वो एक बहुत सही तरीका अपना बात समझाने का जो गवर्नमेंट ने किया और एयरफोर्स ने उसको अंजाम दिया जैसे हमने इंडिया के जियोपॉलिटिकल पोलिटिकल के बारे में बातें करी आई एम श्योर पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल्स इनारे उतना ही ज्यादा इंटेंस है क्योंकि एक साइड अफगानिस्तान है अब तालिबान है एंड हिस्टोरिकली पश्तून एंड पाकिस्तानी हिस्टोरिकली आई डोंट नो कि पाकिस्तान मिलिट्री का फ्यूचर क्या है अब बट वुड यू लाइक टू शेयर सम इनसाइट पाकिस्तानी मिलिट्री इज गोइंग टू हैव अ टफ टाइम इन द कमिंग टेन ईयर्स जब पार्टीशन हुआ तो जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी उसी में से ही पाकिस्तान आर्मी चॉइस दी गई थी उस टाइम पर भी कि आप पाकिस्तान आर्मी में जाना चाहते हो या पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान या इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो उस टाइम पे जब डिवीजन हुई रिसोर्सेज की एसेट्स की और मैन पावर की तो कहने का मतलब यह है कि जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कल्चर था या ट्रेडिशन थी उसी में ही पाकिस्तान आर्मी निकली उसी से इंडियन आर्मी निकली पर आज की तारीख में आप देखिए पाकिस्तान आर्मी कहाँ पर है इंडियन आर्मी का मैार क्या है इंडियन आर्मी बिल्कुल ए पोलिटिकल आर्मी है बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में या देश के चलाने में गवर्नमेंट में कोई हस्तक्षेप नहीं है गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट का एक अंग है एक हिस्सा है बॉर्डर के ऊपर और अंदरूनी मुश्किलों के टाइम पे भी गवर्नमेंट की मदद करती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि उनका ठीक ठाक कार्रवाई चले जब भी उनको जरूरत पड़ती है आर्मी की जी अदरवाइज वो अपना बैरक में रहते हैं अपनी ट्रेनिंग करते हैं बॉर्डर पर जाते हैं अपनी एक्सरसाइज करते हैं और जहाँ जहाँ पर बॉर्डर एक्टिव है वहाँ पर अपनी कार्रवाई करते हैं जबकि पाकिस्तान आर्मी आपने देखा कितनी बार उन्होंने सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया है कैसे उनकी दखल अंदाजी है तो वो एक अलग बात है और रही बात प्रोफेशनलिज्म की उन्नीस की जो लड़ाई हुई ईस्ट पाकिस्तान में तिरानवे हजार नाइन्टी स्टैंडिंग आर्मी नेवी एयरफोर्स एंड डिफेंस सिविलियन ने सरेंडर किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सिंगल सरेंडर था नौ जिस आर्मी ने या नेवी एयरफोर्स ने जिस मिलिट्री ने तिरानवे हजार लोगों ने हथियार डाले उसका प्रोफेशनलिज्म समझ सकते हो शुरू जब 1947 में हुआ वो बिल्कुल श्रीनगर एयरपोर्ट के द्वार पे बैठे थे वहां से इंडियन आर्मी की जब यूनिट्स ने लैंड किया उनको धकेल के उरी से वापस कर आगे भेज दिया समझ सकते हो कारगिल में जब उन्होंने धोखे से आके हमारे इलाके में कब्जा किया उनको खदेड़ के वापस कर दिया यहाँ तक कि उन्होंने अपने जवानों के जो मृतक शव थे वो भी वहीं छोड़ के चले गए जब इंडियन आर्मी ने उनको उन्हों ऑफर किया कि आप इनको ले लीजिए उन्होंने मना कर दिया इंडियन आर्मी ने उनको एक बहुत अच्छे तरीके से डिसेंट बरियल जिसको बोलते हैं पूरे रिलीजन या धर्म के हिसाब से कार्रवाई करते हुए उनको दफनाया तो ये आर्मी अभी जो उसकी हालत है जैसे उनके इंटरफेरेंस हैं करप्शन के केसेस आपको मालूम है कहाँ कहाँ पे उनके करप्शन चलती है किस लेवल की चलती है पर उसमें ज़्यादा आने जाते हुए हमारी आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के दो अलग अलग लेवल हैं इस वक्त इंडियन आर्मी टोटली प्रोफेशनल डेडिकेटेड कमिटेड एंड अंडर द सिविलियन गवर्नमेंट कंट्रोल मैं बस यही कहना चाहूंगा आपसे कि आप जैसे ऑफिसर्स की वजह से इंडियन सिविलियंस को एक सेफ्टी वाली फीलिंग महसूस होती है सर सिक्योरिटी महसूस होती है एंड गर्व महसूस होता है सो एट दिस एपिसोड आई सल्यूटर सर्विस सर Uh, it's because of men like you that we have a certain sense of confidence. Um, using a very simple example, because we football When your defense is very strong, so yes. entrepreneurial offense can yes, so, uh very So thank you for everything that you've done for the country from the bottom of our hearts. And I feel as a podcaster, uh have a lot of podcasts hidden. So, we will uncover. <laughs> कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया एंड uh, आपसे बातचीत करके मतलब जो चीज़ मुझे आपके इस पॉडकास्ट में या इस बातचीत में सबसे अच्छी लगी मॉडुलेशन जो थी आपकी आपने पॉइंट वन से हंड्रेड तक मॉडूलेट करके फिर नीचे <laughs> मतलब आपने इतनी खूबसूरती के साथ में बातचीत को किस लेवल से किस लेवल पे ले गए तो वो बहुत अच्छा था एंड आई आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर नहीं नहीं एम सर स्टिंग पॉडकास्टिंग आजकल बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा स्मार्ट बन चुकी है डिमांडिंग जो तीन साल चार साल पहले की ऑडियंस थी उन्हें बेसिक्स जानने थे आज की ऑडियंस को एडवांस चीजें जाननी है तो एज अ पॉडकास्टर आई नीड पीपल लाइक यू क्योंकि मैं आपसे सीख रहा हूँ uh, आपने जो भी नॉलेज अक्यूमुलेट करके रखी उसे अनर्थ कर रहा हूँ एंड आई जस्ट फील कि इट्स द स्टार्ट ऑफ अ ग्रेट डेकेड फॉर इंडिया

वहां कॉन्वर्सेशन थोड़ी अलग होती है और सर के साथ इस एपिसोड के बाद एक और बहुत जबरदस्त इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया जो शायद इस एपिसोड का सीक्वल माना जा सकता है तो लुक था था वन। time, ये कि आप और किसको देखना चाहोगे टी आर एस हिंदी पर ऐसे ही महान शख्सियत आते रहेंगे और आपके भाई उनके साथ पॉडकास्ट बनाते रहेंगे